Hello guys, welcome to another video. So in this video, you are going to see the girls' PhD hostel. As in my one of video of OBC boys' hostel, I have told you that they have shifted few of the UG student in PhD hostel just because of insufficient space, and they have done same for the girls also. They have shifted UG and PG both students, few of them in PhD hostel due to insufficient space in girls' OBC hostel and girls' TCET hostel. As we are not allowed to go in girls' hostel, so I asked one of my friend who is in girls' PhD hostel to shoot the video of her room and hostel. So I want to thank her for the video. So let's go, let's see the girls' PhD hostel. So this is the girls' PhD hostel, same as the boys' PhD hostel. Infrastructure totally same hai, jaisa boys' hostel ka hai. टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है. मैंने पिछला वीडियो बॉयज़ पी एच डी हॉस्टल बनाया, अगर वो आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा है, उसे ज़रूर देखें. यहाँ पे भी एक सीटिंग एरिया दिया हुआ है एज सेम एज द बॉयज़ पी एच डी हॉस्टल. तो नाउ लेट्स सी द रूम. तो यहाँ भी सेम है, एक रूम को डिवाइड किया गया है दो रूम में, और यहाँ पे बंक बेड है, एक फ़ैन है, एक ट्यूब लाइट है, एक बंक बेड है, स्टडी टेबल. ये आर्ट आप इसे देख के बता सकते हैं, गर्ल्स का रूम है. और बाहर ये बालकनी भी है इनका, सेम एज बॉयज हॉस्टल. और यहाँ पे बाहर ग्राउंड भी है, यहाँ पे आप आराम से खेल सकते हैं. यहाँ पे नेट लगा हुआ है वॉलीबॉल के लिए. बस पीएचडी वालों को सिंगल बेड मिला हुआ है. यहाँ पे भी गर्ल्स मेन हॉस्टल में भी यूजी पीजी वालों को एडजस्ट किया ड्यू टू इनसफिशिएंट स्पेस, इसलिए यहाँ पे भी बंक बेड है. ये और ये दूसरे साइड का पार्टीशन का दूसरा साइड, इतना वेल अरेंज्ड आप देख के समझ सकते हैं कि ये गर्ल्स का रूम है. डेकोरेट किया हुआ है कुछ अच्छे से, प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है, इसे देख के समझ में आ रहा है कि ये गर्ल्स का रूम है. तो यहाँ हर रूम में बालकनी यहाँ पे भी है, दोनों साइड अलग अलग बालकनी है, देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है. यहाँ भी स्टडी टेबल दिया हुआ है, हर रूम में आपको स्टडी टेबल मिलेगा विथ चेयर. और इधर सेम राइट साइड में बाथरूम टॉयलेट दोनों है. So thank you guys for watching this video.